सरों का। पीएम मोदी ने नागालैंड में की चुनावी रैली, बोली शांति, विकास और समृद्धि है मूल मंत्र। जातीय जनगणना पर ओमप्रकाश राजभर ने सपा पर कसा तंज, ना नौमैन गेहूं के हो ना राधे गमन जाएंगे। बाबा रामदेव पहुंचे हजरतगंज मेट्रो स्टेशन, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन से बापू भवन मेट्रो स्टेशन तक किया मेट्रो का सफर। लखनऊ नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। औरैया पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता, का बीजेपी को मिला वैश्य वर्ग को एक तरफा समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नागालैंड को पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का अवसर भी एनडीए को मिला है, तो वही उन्होंने संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने कभी नागालैंड को नहीं देखा और ना ही कभी राज्य में सत्ता और समृद्धि को महत्व दिया। कांग्रेस हमेशा से दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर नागालैंड की सरकार चलाती थी। दिल्ली से दीमापुर तक कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति की है। वही दीमापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने मिशन नागालैंड को संबोधित किया है। दीमापुर में गरजे पीएम मोदी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दीमापुर में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम जिस तरीके से रोड शो कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं। तमाम वहां पर सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद हैं। मेघालय से पीएम मोदी लाइव, तमाम उनके समर्थक जो है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। भारी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद दिख रही है। मेघालय से पीएम मोदी लाइव, जिस तरीके से देख सकते हैं कि पीएम रोड शो कर रहे हैं, वहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षाकर्मियों की भीड़ लगी है वहां पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। वहां पर उनके समर्थक, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। पीएम मोदी का रोड शो है आज, बता दें। मेघालय से पीएम मोदी लाइव है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां पर मेघालय का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड शो किया जा रहा है। वहां पर पीएम के जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वहां पर भीड़ लगा के इकट्ठा हुए हैं उनको देखने के लिए। मेघालय से पीएम मोदी लाइव है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, तमाम हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। और मेघालय की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर दिखाई जा रही है किस तरीके से वहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। बता दीजिए प्रधानमंत्री मोदी मेघालय के शिलांग में आज रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम सबसे पहले नागालैंड के दीमापुर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नागालैंड की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक इन्होंने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दी रखी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को ही बदल दिया। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। आज राज्य नागालैंड मेघालय के दौरे पर पीएम मोदी ने संबोधन में कहा है, पीएम ने कहा कि हमारे ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से भी दूरी कम हो। तो वहीं पर 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य नागालैंड के मेघालय के दौरे पर हैं। पीएम सबसे पहले नागालैंड के दीमापुर में पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से भी दूरी कम हो। बीते 9 वर्षों में मैं खुद दर्जनों बार यहां आया हूं। नागालैंड को पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का अवसर भी एनडीए को मिला है। तमाम तरह की बातें आज उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। मोदी ने कहा कि अपने लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता, देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में बांटने की राजनीति चलती थी, हमने उसको बदला है। आगे भी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेघालय से पीएम मोदी आपको रोड शो करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासियों और महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमारी हर योजना में इन वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 3.5 वर्षों में भी नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। मेघालय के शिलांग में एक रोड शो का आयोजन हो रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पर बता दें कि 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में शिलांग में एक रोड शो में भाग लिया जा रहा है, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा यही प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे, दिल्ली से भी दूरी कम हो। और उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड को पहली महिला राज्य सांसद देने का अवसर भी एनडीए को मिला है। एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। आज नागालैंड के मेघालय में पीएम मोदी मौजूद हैं। आपको बता दें शिलांग में एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में वहां पर पीएम के समर्थक मौजूद हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वहीं बता दें कि 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आज ये रोड शो किया जा रहा है। आगे की बात करें, रोड शो के बाद पीएम दोपहर को वेस्ट गारो हिल्स जिले के तूरा के लिए उड़ान भरेंगे, जहां से वो बीसीसीआई के ओलोट्रगे स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 120 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने पीएस संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन खेल विभाग ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि चुनावी राज्य नागालैंड के मेघालय दौरे पर हैं, आज उनका रोड शो चल रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर दीमापुर तक इन्होंने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी। कांग्रेस पर तंज भी कसा है, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को बदल दिया है। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था, लेकिन हमने पूर्वोत्तर 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह नहीं एटीएम नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी मानते हैं। तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। वहीं कांग्रेस पर तंज भी कसा है। नरेंद्र मोदी का आज नागालैंड में रोड शो हो रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पीएम मोदी का मिशन मेघालय है। 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय पहुंचे हुए हैं। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। पिछले 3.5 वर्षों में नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया, रैली में रोड शो का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी का मिशन नागालैंड। नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के 8 रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है। 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है। जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा। साथियों, भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है। कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता पर बजट प्रस्ताव के बाद वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि निजी नवाचार और निवेश इस क्षेत्र से दूर बनाए हुए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि ओपन मंच के जरिए डिजिटल लेन देन हो रहा है, युवा अपने नवाचार के जरिए सूचना के सेतु बन सकते हैं। आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊर्जावान युवा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है, जबकि वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से दूरी बनाए हुए हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए इस साल के बजट में कई तरह के ऐलान किए गए हैं। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में
ओपन सोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा। हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह सामने रखा है। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय जनगणना पर फोकस बढ़ाया है। वहीं इस मुद्दे के जरिए सपा पिछड़ी जातियों की गोलबंदी में जुट गई है। विधानसभा भी गुरुवार को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सपा ने पहले हंगामा और फिर नारेबाजी कर फिर अखिलेश ने राज्यपाल के अभिभाषण में इस मुद्दे को उठाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शोर हंगामा प्रदर्शन के साथ शुरू होता विधानसभा का चौथा दिन तो जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने नाम कर लिया। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा, लेकिन जातिगत जनगणना का मामला विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आंख किधर देख रहे हैं। अखिलेश ने अपनी बात की शुरुआत शायरी से भले ही की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्र को भी याद दिलाया जो बीजेपी अपने हर मंच से देती है, वो है सबका साथ सबका विकास। इस बात को सपा अध्यक्ष ने सदन में बखूबी भुनाया और सरकार से सवाल कर डाला कि बिना जातिगत जनगणना किए सबका साथ सबका विकास कैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है, सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। सबका विकास कैसे करोगे आप, सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप, और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वेल में बैठे सभी सदस्यों से भी जाति जनगणना पर अपनी हामी भरवाने की कोशिश की। गठबंधन के साथी रहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनगणना पर चुटकी लेते हुए सवाल पूछ डाला। पहले तो ओपी राजभर से उनकी पार्टी पूछी, फिर समर्थन की बात कह डाली। किस पार्टी के नेता हैं आप, ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल से भी बात बात में जनगणना पर मन की बात कहने के लिए बोल दिया। मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं, और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तर काल में हंगामा मच गया। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में धरने पर बैठ गए थे। वहीं सपा विधायक संग्राम सिंह ने बिहार का उदाहरण देते हुए यूपी में जातिगत जनगणना के बारे में सवाल पूछा था।
तो इस पर योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिस प्रदेश में अराजकता और चारा खाने का काम होता है तो यूपी को अब रिवर्स नहीं जाना है। अब सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना का मुद्दा क्या सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्या यूपी के उप मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना से यूटर्न लेने का खामियाजा योगी सरकार को उठाना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि जातिगत जनगणना से सरकार भाग क्यों रही है, और सवाल ये भी है कि विपक्ष के जाति वाले दांव पर क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टी का अखिलेश को मिलेगा समर्थन? अब आपको सीधे लिए चलते हैं शिलांग में, जहां पीएम मोदी रोड शो के बाद अपना संबोधन दे रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। भाइयों बहनों, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, व्यापारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, किसान हो या फिर मजदूर, सभी एक सुर में कह रहे हैं मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे। भाइयों बहनों, भाजपा के समर्थन में ये जो सेंटीमेंट पूरे मेघालय में दिख रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, उसके अनेक कारण है। लंबे समय तक मेघालय सहित उस पूरे रीजन को कुछ लोगों ने अपने परिवारों की, अपने स्वार्थ की पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग किया है। ये परिवारवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेघालय को परिवारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को, जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहां मेघालय में भी ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है, उन्होंने पूरे मेघालय को एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं अपने जेब पर देते हैं। आप लोगों को छोटे छोटे मुद्दों पर बांटा गया, मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई।
इसी पॉलिटिक्स ने मेघालय का बहुत नुकसान किया है, मेघालय के युवाओं का नुकसान किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की जनता अब भाजपा के साथ है, कमल के साथ है। मेघालय एक मजबूत पार्टी के नेतृत्व में स्थिर और मजबूत सरकार चाहता है। मेघालय आज फैमिली फर्स्ट के बजाय, ध्यान से सुनिए, फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट वाली सरकार चाहता है। चाहता है ना? इसलिए कमल का फूल आज मेघालय की मजबूती, मेघालय की स्थिरता, मेघालय में शांति का प्रतीक बन गया है। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों ने अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी, मेघालय के हितों को नजरअंदाज किया है। अच्छी सड़कों का अभाव, रेल कनेक्टिविटी का अभाव, अच्छे एयरपोर्ट्स का अभाव, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे होता? बीते 9 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने नई परिस्थितियां बनाई है। अब मेघालय का, नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदल रहा है, बदलने वाला है। हम इस बदलाव के लिए आपके पास आए। हमने मेघालय की, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बेसिक चुनौतियों को कम करने पर जोर दिया है। नॉर्थ ईस्ट आज भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मजबूत पिलर बनता जा रहा है। ये ट्रेड और टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। इसलिए मेघालय के लोग कह रहे हैं, मेघालय मांगे, बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे। साथियों, आज मैं शिलांग में एक नई शुरुआत अनुभव कर रहा हूं। पूरे रास्ते पर मैंने देखा है, मेघालय में बीजेपी की सरकार होगी तो दिल्ली से मुझे आपकी सेवा करने में और आसानी हो जाएगी। क्या आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे? आपकी सेवा करने का मौका देंगे? आपके कल्याण के लिए काम करने का मौका देंगे? मेघालय के विकास के लिए मौका देंगे? आप सभी इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं फिर से एक बार मेघालय का सर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप शिलांग से पीएम मोदी को सुन रहे थे। इस खबर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।